अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। हाँ जी भैया, आज माशाल्लाह से पांचवा रोजा है भाई। आज माशाल्लाह से पांचवा रोजा है और तैयारी में या उरूज पर इनसे हजब महबूल रोजाना की तरह जैनब बीबी अभी बना रही हैं शरबत बना रहे हैं। आज टैंग बना रही हैं, ये टैंग बनाती हैं, टैंग पीती हैं। रूह अफजा हम बोलते हैं कि पी लो लेकिन ये पीती नहीं है। नहीं, हमने पिछले साल वाला याद आ गया, पिछले साल रूह अफजा कह के थक गया था मैं, लेकिन जैनब बीबी ने बनाए नहीं। जैनब ये यार क्या है यार, ये भी तो पिया भी नहीं जाता यार। टैंग टैंग हम टैंग ही पीते हैं, ये टैंग ही पीती हैं, जबकि इनको बोलते हैं कि भाई रूह अफजा बना। टैंग अच्छा होता है ना, मां शब्द ही बोलते हैं। मां शब्द नहीं, ये मां अनिल है। हम बोलते हैं, हम चढ़ाते हैं इसे, मजे लेते हैं इससे, मां सफदर। लेकिन खाली ये माशाल्लाह से मां हमें बना रहे हैं टैंग और पकौड़े की तैयारी हमने कर ली है। आज हम पकौड़े कम बनाएंगे क्योंकि कल हमारे कल बहुत ज्यादा बच गए थे। पत्नी की पका नहीं, हम मतलब ये कि उधर से ही आ गए थे, इस वजह से बच गए थे। और पापड़ आज हम बनाएंगे, बहुत ही थोड़े से बनाएंगे, वो भी बच जाते हैं। कि मैं इसीलिए टैंग पीती हूँ, एक पकौड़ा खाती हूँ, मेरा रोजा हो जाता है। क्या बात है, नमाज खर्चा कम करती है ना जैनब बीबी। पेपर हो रहे हैं बच्चों के भाई। हाँ, वो तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पर फाइनल फाइनल टाइम हो रहे हैं और हमारे मान साहब तो पढ़ते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, वो गए हैं, इनके चाचा आ रहे हैं तो और नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इनके चाचा आ रहे हैं दुबई से आ रहे हैं, तो वो तो पढ़ेंगे नहीं भाई, वो नहीं पढ़ेंगे। अजी गए तो भैया जैसा होगा वैसा दिखाते रहेंगे भाई। अभी जा रहे हैं पकौड़े वकड़े तलने के लिए जाने भी, और रोल वोल समोसे जो बनाएंगे वो दिखाएंगे हम आपको और दिखाते। आज तीन रोल हैं। आज कंजूस जैनब, कंजूसी की हद कर दी है जैनब। जैनब ना बगैर रोजे खोले ना मारना चाह रही, पता क्या हो गया जैनब तेरे को यार, इतनी भी कंजूसी नहीं करता बंदा यार। नहीं, तीन रोल वो दूसरे वाले और तीन रोल हम डब्ल्यूटी के बनाएंगे, तो कहीं से भी बना लो। लेकिन यार जनाब इतनी कंजूसी ने बोल दिया था, रोल लिया था यार। कल हमारी पार्टी होगी घर में हमारे, है कि कंफर्म है? अभी कंफर्म होगा। हाँ, कल हमारी जो बहन है भाई उनकी पार्टी, मतलब अफ्तार पर दावत दी है, अभी करेंगे और बोल रहे हैं जगह पर, क्योंकि मैं और बड़े भाई दे रहे हैं भाई उनको अफ्तार की दावत, तो आप उनकी तरफ से देखते हैं क्या आता है कि वो आती है। मसरूफ है या फिर कल संडे जैसा होगा वैसा होगा, वरना तो कल है अफ्तारी, वरना हम खुद कर लेंगे अफ्तार पार्टी। नहीं, कल अभी उसको फोन करेंगे तो पता चलेगा, कंफर्म होगा अभी। देखें जी, ऐसे हमने अपना कंफर्म कर दिया है, हमने जैनब बीबी तो फौरन तैयार हो जाती है अपनी नंद को अफ्तार करने के लिए। नंद को इकलौती नंद है, जैनब भी किसी की नंदे है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर हम लोग जैनब की कभी नहीं होती है ना। नहीं होती है, हर कोई अपने अपने घरों में मसरूफ होता है, मगर हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत दूर होती है, इसलिए तो हम उसको बुला लेते हैं कि आके। ये स्पेशल भाभी हैं, जैनब हो गई स्पेशल भाभी, बड़ी वाली हो गई वो स्पेशल भाभी, और जो भाभी हैं वो भी स्पेशल है। सब भाभी स्पेशल होती है, स्पेशल जैनब का एक्सप्रेशन चेक करें, स्पेशल। चले जी गाइस, समझ जा रहे होंगे, वो समझ खुद ही जाएंगे। हाँ, हाय 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 हाय, बहुत पॉइंट वाली बात की है जैनब ने, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। खैर जी, अब देखते हैं भाई अब जैनब बीबी क्या बनाता है। हाँ जी गाइस, तो भैया जैनब बीबी अब बना रही है, क्या बना रही है? रोटी के बना रही है। सैंडविच? नहीं ना, सैंडविच कल हमने बनाए, किसी ने भी नहीं खाए। क्यों? कल ऐसे गए आप, तो आलू के यार मजे के नहीं लगते यार, तुम आलू के बनाती हुई यार, तो वो आलू के ही बनता है मुझे। मैं आप कल बनाएंगे, चिकन के बनाएंगे। चलो आज तो मैं बनाऊंगा बीफ का कीमा, जबरदस्त वाला। नींबू है? नींबू है आपके पास? नींबू नहीं, नींबू लेकर आने, अंकल आए थे ले। हरा धनिया यार, हम इसमें सब्जियां भरेंगे। चलो भाई, दो थोड़ा सा पानी लेकर आना, कटोरी बाउल, थोड़ा सा पानी लेकर बाउल में। चलो भाई, है ना, ज्यादा बना लेते हैं अभी, जब रोटी दुआ से मंगा लेते हैं ना, और बोलते हैं। चलो मैं चले जाता हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ। एक अंडा भी ला दीजिए, अंडा डबल रोटी और। चलो भाई, पानी आ गया जनाब, अभी पानी से ना इसको प्रेस कर रही है। वाह, इसको बेल लेते हैं ना, बेलते भी देखा है मैंने, तो बेल लिया करो ना इससे। बेलने के बगैर भी
फट नहीं रही है। कौन सा सैंडविच है यार? नहीं नहीं असल में डब रोटी ना कल की है। अच्छा ताजी नहीं फटती, ये हम इसको अंडा लगा के फ्राई करेंगे तो हो जाएगी, ये थोड़ी सी हो गई कल की रोटी। चलो ये भी हो गई। मुबारक तो भैया, बस थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तारी में भाई, और ज़ैनब बीबी ने सारी अफ्तारी बना ली है भाई। आज अफ्तारी में मेन्यू कम है। हाँ आज अफ्तारी कम है, ये रोज बहुत बच रही थी इसलिए हमने कम करा। हाँ भी मैं तो इतना खाता नहीं हूँ और बच्चे बच्चे भी इतना नहीं खाते। हाँ सैंडविच बना लिया उन्होंने ज़ैनब बीबी ने, ये डब्लूटी के सैंडविच, डब्लूटी के सैंडविच अंडा लगा कर, और आज मैं बना रहा हूँ फ्राई की हुआ स्पेशल। अब पत्नी कैसा बनेगा आज देखते हैं। हाय 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 मज़ा आएगा। बीफ का कीमा और उसके साथ पराठे, तू नान है, मैं तो कह रहा हूँ ना है, तुम खा लेना फिर रोटी बनाकर, हम अपने लिए ले आएंगे। सही है, दो रोटी अपनी लिए, एक रोटी या दो रोटी, तुम तो खाती नहीं हो वैसे। तो भाई हम लोग तो दुआ क्या लाएंगे, पराठे खाने। चलो भाई चार पराठे दुआ के, एक पराठा मेरा, चार पराठे हमारे। दुआ जब आएगा ना सामने, तू ऐसे खाएगी ना मुझे पता। अमान साहब ने क्या किया है, क्या किया, अकेल निकली हुई थी उसने बहुत ही अल्लाह उसने कीनू लगा दी थी, वो लग रही थी बहुत। चलिए अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है और अब दुआ मांगते हैं और फिर अफ्तारी का टाइम करते हैं, स्टार्ट हो रहा है, वक्त है अभी। अभी अमान कर दो, अमान को तो बुलाओ, अमान बाहर खेल रहे हैं, अभी तक आए नहीं है अमान साहब। चलो बस होने वाला है, अमान साहब बैठे हुए क्रिकेट खेलने में। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलिए गाइस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। हो सकता है शहरी में भी आज व्लॉग बनाऊँ मैं, क्योंकि नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं, शहरी में अलग बनाऊँगा मैं अपने व्लॉग, अफ्तारी में अलग बनाऊँगा। ये क्या बना रहे हैं आज, स्पेशल डिश बना रहा भाई मैं, कीमा है और टिक्का मसाला डालकर स्पेशल कीमा। कीमा स्पेशल कीमा आदि की आदिल की रेसिपी है ये। क्या बनाया है, स्पेशल रेसिपी है इसमें। मैंने चिकन पाउडर और चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला और जो मसाले होते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्चे बेसन भी डाला थोड़ा भून कर। ये रेसिपी काफ़ी दिन में ट्राई कर रहा था मैं, फाइनली हो गई है। इसको मैरिनेट करा कर रख दिया था मैंने, अभी एंड में मैंने डाला है बेसन इसके अंदर। जरा कढ़ाई ले लूँगा, मेरी बात मान कढ़ाई इसके अंदर ना, ये बस बहुत है, अंदाजा नहीं है भाई मुझे चीज़ों का। ज़ैनब बीबी साथ खड़ी हुई है तो पता चल रहा है कि भाई अब क्या करना है, थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो यार ये वाला चमचा धो देती है ना। वो भी तो दिया है, वो ये छोटी कढ़ाई है, इसमें हाथ नहीं बनेगा। अभी गर्म ही नहीं हुआ तेल यार, ज़ैनब पागल बना लिया ज़ैनब, चाह नहीं रही कि मैं लजीज तरीन ना खाना बनाऊँ। ओ भाई ये तेज हो गया है, मैं कह रही हूँ पानी भाई। मसाला ही तो है मेन चीज़ है, मसाला जो स्पेशल बनाया है मैंने। पापी ने बोला पापा मैं और आप खाएंगे, मेरा बेटा मुंह देखेगा वो तो कहाँ खाता है, हम गरीबों के साथ। चलो भाई तेल कम लग रहा मुझे, नहीं सही है आज हल्की करूं, अभी थोड़ा पानी डलेगा इसके अंदर। तो ये अब ये बनाते हैं और आप लोग से मिलते हैं। हाँ अब ये जब बनाएंगे ना फाइनली, बस बस मैंने मैग्नेट कर दिया सारी चीज़ें, अब ये बन रहा है, अब जैसे ही बनेगा तो भाई हम आपको दिखाएंगे डेकोरेट करके इसको पूरा। फाइनली हमारा कीमा बन गया भाई, स्पेशल कीमा। अभी इसको बाउल में निकालते हैं और थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं कि कैसा लगा, और टेस्ट करके ज़ैनब बीबी और बच्चे बताएंगे कि भाई कैसा बना है। फाइनली भाई ये हो गया भाई हमारा कीमा तैयार, अभी जाना है दुआ। अभी कहाँ क्या लेने, कहाँ जाना है दुआ, रोटी लेने, रोटी खानी है तुमने।
आपने दुआ तो कह रही पराठा खाना है, और आपने तुम नहीं खाना, तुम परहेज करो, तुम वैसे भी बड़े का खाती नहीं हो, तुम परहेज करो। सही है, हम तो खाएंगे मजे ले लेकर, पराठा लेकर आ रहा हूँ मैं। एक मेरा पराठा लेट नहीं हो ना, तुम्हारे क्या जरूरत है पराठे की। चलो भाई दू आप ही पराठा। हाँ। पराठा मैं तो सोच रहा हूँ नान के साथ जबरदस्त लगेगा ये। आप नान लिया ना, मैं पराठा। चलो भाई, चलो भाई अभी जा रहे हैं हम लोग पराठा और नान लेने के लिए। हाँ तो गाइस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करें। चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो। चलिए चला फिर।